साहित्य समाज का दर्पण है और ज्ञान के संयोजन की एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से यथावत जानकारियां समाज तक संप्रेषित की जा सकती हैं। जिस देश का साहित्य जितना समृद्ध होता है उसका इतिहास उतना ही गौरवशाली होता है। नोएडा के सेक्टर 16 में स्थित मार्बा स्टूडियो में 6 से 8 अक्टूबर 2022 तक 3 दिवसीय 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का शानदार आयोजन दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ किया गया। फेस्टिवल के पहले दिन साहित्य और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा, साहित्य का समाज के लिए महत्व, इन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मारवा स्टूडियो के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि साहित्य समाज को यथार्थ रूप में दर्शाने का सबसे अच्छा और सरल माध्यम है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते और लिखते रहना चाहिए। रोज लिखने से हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा मिलती है और लिखी हुई बात हमें हमेशा याद रहती है और यहीं से ही धीरे धीरे लेखन कार्य का सृजन भी होता है। हमें साहित्य के महत्व को समझना चाहिए और साहित्य के प्रति रुचि भी जगानी चाहिए। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में देश विदेश के मेहमानों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई और साहित्य के वर्तमान महत्व को जाना। इस कार्यक्रम में ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा, मोई क्वा अंग, म्यांमार के एम्बेसडर एर्मिया रेस्क्यू, रोमानिया प्रतिष्ठित जैन धर्मगुरु लोकेश मुनिजी, पूर्व राज्यपाल और सेवानिवृत्त जनरल JJ सिंह, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर हीरा लाल, जाने माने लेखक प्रेम जनमेजय, कार्यक्रम डायरेक्टर सुशील भारती सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने संदीप मारवा के द्वारा साहित्य की दिशा में किए जा रहे कार्यों की खूब सराहना की गई। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर हीरा लाल द्वारा लिखी गई किताब डायनामिक DM और पूर्व सेना प्रमुख जनरल JJ सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक मैक मोहन लाइव का विमोचन और मारवा स्टूडियो द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फोरम पोस्टर भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों को संदीप मारवा जी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। Honor and pleasure to be here, and I would like to extend my heartiest congratulations to Dr. Sandeep Marwa and organizer of this very important occasion. And I wish all of them great success. So what do you feel today? What's your experience about today's event? Oh, this is a great event. I'm very much impressed by you know, the today event. I would like to congratulate Mr. Sandeep Marwa for the initiative that he has taken to promote Indian art, culture and literature, and also to give a message of peace, love and unity. Our ancient scriptures have always believed the world is one, and therefore we have a very rich tradition of peaceful existence with our neighbors. And also the greatness of India is that we have been the fountainhead of many other religions other than Hinduism, that is Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam and Christianity have also flourished. Even the Parsis who came from Persia have also found a home in India. Sir, love, peace and unity through love and culture, art and culture, ko aap kya message dena chahenge? हम लोगों ने हमेशा ये माना है कि जो कला और जो संस्कृति है वो सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि देशवासियों को और पूरी दुनिया को जोड़ती है, और यही वजह है कि 1993 में जब हम लोगों ने ये लाइन, ये फ्रेस जब दुनिया को दिया था, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, उसको हमने बड़े सीरियसली खुद लिया। और आज हम ये बड़े खुशी से कह सकते हैं कि हमने तकरीबन 7,500 इवेंट ऐसे किए हैं
जिनकी बाय लाइन लव पीस एंड यूनिटी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है। हमारा मकसद यही है कि हम देश को और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया को इन तीनों चीज़ों को सामने ला सकते हैं कलाओं के ज़रिए, और चाहे वो फिल्म हो, टीवी हो, मीडिया हो, आर्ट हो, कल्चर हो, और कल्चर का और आर्ट का कोई भी हिस्सा। सर, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो आज किया गया है, कई डिग्निटरीज आए, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का इसमें खास रहेगा इस तरह में? हम लोगों को पिछले 8 साल हो गए इस पूरे मेले को तैयार करते हुए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2022 का उद्घाटन बड़े अच्छे लोगों के करकमलों द्वारा हुआ, और देश भर और दुनिया भर से इस बार फिर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पेंडेमिक के बाद अभी भी वीज़ा मिलने और विदेशों में जाने की अभी हल्की सी दहशत बची हुई है। देखिए, ऐसा है कि साहित्य है तो समाज है, समाज है तो साहित्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आज बोलते हुए भी वहाँ पर बोला था कि साहित्य जो है मनुष्य के सभ्य होने का उद्घोष है। जब मनुष्य सभ्य हुआ, जब उसको लगा कि मुझे अपनी मेरी संवेदनाएं दूसरे की संवेदनाएं मेरी होनी चाहिए, तो तब जो है साहित्य जीवन में आया। और साहित्य जो है वही वैश्विक सोच रखता है, ये कहीं नहीं होता। रूस का साहित्य भारत में जो आता है या भारत का साहित्य रूस में अनुदित होता है, वहाँ पे भाषा की दीवारें भी टूट जाती हैं, वहाँ पे देश काल की दीवारें। जब आप मानवीय सोच पे जाते हैं, क्या कारण है कि हमारी रामायण इंडोनेशिया में भी है, हमारी रामायण विभिन्न ट्रिनिडाड में चले जाए वहाँ पर है, अब मॉरिशस में चले जाए वहाँ पर है, क्यों है? उसका कारण मूलतः यही है कि साहित्य जो है वो दीवारों को नहीं मानता। साहित्य समाज का आईना है, आपने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को इसके बारे में सोचा। देखिए, आर्ट एंड कल्चर, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है हुनर, वो हुनर किसी प्रकार का हुनर हो, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है उसको कल्टीवेट करो। तो आपके जो अंदर आर्ट है उसको कल्टीवेट करो, मतलब कल्चर करो। तो आर्ट एंड कल्चर जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत व्यापक टर्म है। और जो साहित्य का ये ग्लोबल फेस्टिवल है, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप जो कल आपको याद था, अगर आप उसको राइट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो भूल जाएगा। तो जैसा मैंने अभी कहा ना कि हम लोग कहते हैं हम पढ़े और लिखे हैं, भाई आप पढ़े तो हैं, जब तक जो पढ़े हो उसको लिखोगे नहीं तो आप लिखे कैसे कह सकते हो हम लिखे हैं? तो पढ़े लिखे को पूरा करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है अनुभव के रूप में, आपकी हॉबी के रूप में, उसको लिखना चाहिए। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज ग्लोबल साहित्य उत्सव का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली NCR नोएडा में हुआ है, और विश्व शांति में साहित्य के योगदान पर जब चर्चा हो रही है, साहित्य हमारे जीवन में आलोक स्तंभ की तरह हमारे जीवन को आलोकित करता है, जीवन की दिशाओं को स्पष्ट करता है, हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को। और मैं समझता हूँ जब जीवन में से नकारात्मकता खत्म होती है, हिंसा खत्म होती है, तो अपने आप में ही विश्व शांति का सपना साकार होता है, और मन की शांति विश्व शांति की अनिवार्य शर्त है। साहित्य के द्वारा हम अपने मन की शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं,